कि सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, 47 का, नेवी का, वालों का। अवामी इंसाफ कमेटी का आज जो ये इजलास हुआ है वो हमारा जो एजेंडा है, ये खास एजेंडे हैं, हमारे दो एजेंडे हैं जिस एजेंडों पर हमने बात की है और दोस्तों से भी बात की है, उनने मशवरा दिया है। हमारा एजेंडा है उम्मे रबाब बहन के साथ मुलाकात करना और TTC कॉलेज के इशू पर बात करना। उम्मे रबाब ने एक पैगाम छोड़ा था कि खुदारा सिंध के जितने भी नौजवान और सियासी समाजी जितने भी वर्कर्स हैं वो मेरी आवाज़ को उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी आवाज़ को ऐवानों तक अपना अवामी इंसाफ कमेटी डहरकी के प्लेटफॉर्म से जो आज हमने मीटिंग रखी है, बिल्कुल हम उस मीटिंग की वजह से बहन उम्मे रबाब के साथ हैं और जब भी इंशाल्लाह उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारा मकसद ये है मीटिंग करने का कि उसे टाइम लें और हमें टाइम दें, हम उनके साथ कोरट में लारका में जाने के लिए हम तैयार हैं, जहां वो कहेगी हमारी कमेटी उनके साथ इंशाल्लाह। जब तक हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, हमारी आवाज़ उनका आवाज़ बनकर एवानों तक पहुँचे। और बड़ा अरसा हो गया है, बड़े अफसोस से कहना पड़े कि 4 साल गुजर गए हैं तो इसका केस चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे केस को पेंडिंग में रख रहे हैं, डेट पे डेट दिए दे रहे हैं, तो इस केस को चलाएं, मुझे इंसाफ दें। तो हम ये चाहते हैं कि खुदारा बहन उम्मे रबाब को इंसाफ दिलवाओ, उसके साथ इंसाफ करो, वो बहुत ही मायूस है क्योंकि उसने 4 साल गुजारे हैं, तो 4 साल तक 4 साल के अंदर तक मेरे साथ लोगों को इंसाफ नहीं मिला, तो आगे वो क्या महसूस करेगी कि मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहन उम्मे रबाब हम आपके साथ हैं, ये कौम आपके साथ है, जो गरीब कौम है वो आपके साथ है। हमारी अवामी इंसाफ कमेटी फकत ही गरीब इंसान की जो उनके साथ जुल्म हुआ है उसकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाना है, उसके साथ हमने शाना बशाना खड़े होना है। दूसरा ये हमारा TTC कॉलेज जो है इशू है, ये 20-25 दिन से ये बिल्कुल बंद है, इसको ताले लगे हुए। हमारी अवामी इंसाफ कमेटी गए उनके शाना बशाना थे, हम उनके धरने में हम उनके एहतियात में गए थे, 3-4 मरतबा हम जा चुके हैं और हम अभी इस मीडिया के तवसल से मैं ये बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद जज साहबान को कि खुदारा इन तालिब